Ritvik bhai. मजा आता है कि अपने फोबियाज को चैलेंज करो एंड ट्राई टू ओवरकम देम. मेरा भी सेम ही था. वेल ही सेज ही वाज हैप्पी, आई वाज नॉट हैप्पी. आई वाज वेरी वेरी स्केयर्ड एंड आई स्ट्रेट अवे सेड नो. बट देन एज आई सेड कि मुझे सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, चाहे वो चैनल हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा बोला कि यू कैन डू इट. सो दैट इज़ द रीज़न आई हैव टेकन इट अप. एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप नहीं कर पाओगे, बट देन विदाउट ट्राइंग यू शुड नॉट बैक आउट. सो आई एम गोइंग टू ट्राई. दिस इज़ द रीज़न आई एम इन फियर फैक्टर. आई एम गोइंग टू ट्राई टू ओवरकम माई फियर्स. प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसी मैं हूँ रियल लाइफ में, वो अलग बात है. मुझे जनता ने ऐसे देखा नहीं है, उन्होंने हमेशा मुझे एक अक्षरा वाली लाइट में देखा है. सो अब वो मुझे एज हिना देखेंगे और आई एम ग्लैड कि वो अब हिना को देखेंगे कि हिना कैसी है रियल लाइफ में. शांतनु ने शायद अपनी रियल साइड दिखाई है सबको क्योंकि इन्होंने एक रियलिटी शो किया है झलक एंड ऑल. सो फॉर मी इट्स एन अपॉर्चुनिटी क्योंकि मैं पहली बार, दिस इज़ माई फर्स्ट रियलिटी शो एवर इन लाइक माई 8 years ऑफ करियर. सो येस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि लोग मुझे मैं जैसी हूँ देखें, चाहे जैसी भी हूँ. देखिए मैं मुझे तो कीड़े मकौड़ों से बहुत डर लगता है. शांतनु का भी यही इरादा है. मेरा एक्चुअली सबसे डर लगता है बट मेजरली हाइट एंड वाटर. ऐसा सब बोलते हैं और जिन लोग ने बोला है वही सबसे अच्छा करते हैं. सो मुझे लगता है कि शांतनु बहुत अच्छा करने वाले हैं और ये सबको ऐसे डरा रहे हैं. क्या हमें लगा अच्छा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता है, हम ऐसा सोचें और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए. नहीं, हम सब कोशिश करेंगे अपना बेस्ट देने की. सो लेट्स सी.